स्टूडेंट टुडे आई वांट टू एक्सप्लेन यू समथिंग अबाउट द सप्लाई एंड लो ऑफ सप्लाई। फर्स्ट ऑफ ऑल आप डिमांड के बारे में सभी कुछ जान चुके होंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड एंड व्हाट डू यू मीन बाय, नाउ आई वांट टू एक्सप्लेन यू व्हाट डू यू मीन बाय सप्लाई। कि जब पर्टिकुलर कंट्री में जो है या किसी भी इकोनॉमिक में किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड होती है तो उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए सप्लाई का होना कंपलसरी है। तो सप्लाई जो है वो किसके थ्रू की जाती है? प्रोड्यूसर के थ्रू की जाती है और सेलर के थ्रू की जाती है। प्रोड्यूसर, इट में भी पॉसिबल कि प्रोड्यूसर और सेलर आर सेम पर्सन और बोथ आर डिफरेंट डिफरेंट्स, समटाइम दे आर डिफरेंट डिफरेंट। प्रोड्यूसर जो होता है वो प्रोड्यूस कर करके सेलर को दे देता है और सेलर के थ्रू जो है वो मार्केट में उसकी सप्लाई की जाती है। पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मीन्स सप्लाई की डायरेक्ट रिलेशनशिप विद प्रोड्यूसर्स होती है। प्रोड्यूसर के थ्रू ही जो क्वांटिटी पर्टिकुलर इकोनॉमिक में जो क्वांटिटी प्रोड्यूस की जाती है ऑन ए सर्टेन टाइम पीरियड, देन इट इज़ नॉन एज सप्लाई। की पर्टिकुलर टाइम पीरियड में पर्टिकुलर गिवन प्राइस होता है उस पर प्रोड्यूसर्स के थ्रू जो क्वांटिटी जो है वो मार्केट में सेल के लिए अवेलेबल कराई जाती है, प्रोड्यूस कराई जाती है, विच इज नॉन एज अ सप्लाई। देन सप्लाई मीन्स द क्वांटिटी ऑफ एनी कमोडिटी, द क्वांटिटी ऑफ एनी कमोडिटी विच अ सेलर इज रेडी टू सेल, विच अ सेलर इज रेडी टू सेल इन मार्केट एट अ सर्टेन टाइम ऑन अ सर्टेन प्राइस। किस सर्टेन टाइम पर, पर्टिकुलर टाइम फिक्स होता है कि सर्टेन टाइम पर, सर्टेन टाइम पीरियड पर मार्केट में सेलर के थ्रू जो क्वांटिटी सेल करने के लिए वो रेडी होता है विच इज नॉन एज सप्लाई। आप सभी जैसे ऑलमोस्ट 11th के स्टूडेंट होते हैं, वो नए नए आते हैं तो जब वो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो उनका सब कुछ ऊपर से जाता है। बट अगर आप अपने स्टाइल से पढ़ोगे, धीरे धीरे पढ़ोगे, स्लोली और स्लोली पढ़ोगे तो आप सब समझ जाओगे कि डिमांड क्या होता है और सप्लाई क्या होती है। तो सप्लाई मीन्स जो प्रोड्यूसर के लिए, प्रोड्यूसर के थ्रू जो क्वांटिटी मार्केट में सेल के लिए अवेलेबल कराई जाती है ऑन ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड एट अ पर्टिकुलर प्राइस। की पर्टिकुलर टाइम और पर्टिकुलर प्राइस पर, सपोज कीजिए कि जैसे आज की जो भी डेट है कि आज 6 मई है सपोज कीजिए, और 6 मई पर प्राइस है 5 रुपीज़। अब 5 रुपीज़ पर मैं जो है कोई भी ले लीजिए किसी भी चीज़ का एग्जांपल, अगर 10 कमोडिटी जो है अवेलेबल करा रहा हूँ। नेक्स्ट जो 5 मई थे तो मेरे प्राइस जो थे वो 4 थे, तो मेरे थ्रू जो 8 क्वांटिटी ही मार्केट में अवेलेबल कराई जा रही, देन दिस इज नॉन एज सप्लाई। हम इसको सप्लाई कहते हैं कि मेरे थ्रू ये क्वांटिटी है 10 kg, 4, 8 kg ये मार्केट में जो है वो सेल के लिए अवेलेबल कराई जा रही है। देन फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई, कि सप्लाई को कौन कौन से फैक्टर्स अवेलेबल करते हैं। अब ये समझ में आ गया कि सप्लाई किसके थ्रू की जाती है, प्रोड्यूसर और सेलर के थ्रू। अब जो मैंने 8 और 10 जो है वो कमोडिटी मार्केट में अवेलेबल कराई तो इट इज अफेक्टेड बाय लॉट ऑफ फैक्टर्स। की सप्लाई जो होती है, प्रोड्यूसर जो मार्केट में लाना चाहता है तो उसको बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो अफेक्टेड करते हैं कि वो कितनी क्वांटिटी में सप्लाई को मार्केट में अवेलेबल कराया जाएगा, इट इज क्वाइट डिफरेंट। बट सबसे पहले आप ये समझ जाइए कि स्टॉक एंड सप्लाई बोथ आर डिफरेंट डिफरेंट। स्टॉक जो होता है वो आपके पास अवेलेबल होता है और सप्लाई वो होती है जो आप उस स्टॉक में से सेल करने के लिए रेडी होते हो। देन सप्लाई इज अ पार्ट ऑफ स्टॉक, सप्लाई जो है वो आपके स्टॉक का पार्ट है। बट स्टॉक इज नॉट ए सप्लाई, स्टॉक आपने इकट्ठा कर रखा है वो सप्लाई नहीं है। हम बहुत कुछ प्रोड्यूस करते हैं, सब हमारे गोडाउन वगैरह में पैक रहता है। अब उसमें से हम जो मार्केट में डाल देते हैं सेल करने के लिए, विच इज नॉन एज सप्लाई। तो स्टॉक का एक पार्ट जो हम सेल करने के लिए रेडी होते हैं इज नॉन एज सप्लाई। तो फर्स्ट फैक्टर इज अफेक्टिंग प्राइस ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी। अब आपने देखा था कि जब प्राइस 4 थे तो मैं 80 देने को रेडी थी, और जब मेरे प्राइस 5 हो गए तो मैं 10 जो है क्वांटिटी। तो प्राइस ऑफ कमोडिटी होते हैं, इट इज मोस्ट पावरफुल फैक्टर विच इज अफेक्टेड द सप्लाई ऑफ एनी कमोडिटी एंड एनी प्रोडक्ट एंड एनी सर्विसेज। सबसे पावरफुल फैक्टर्स होता है, सेलर जो है या प्रोड्यूसर जो है जब भी मार्केट में सप्लाई को लॉन्च करेगा तो सबसे पहले उसकी जो मेन कंसंट्रेशन रहती है, उसका जो सेंट्रल का जो पॉइंट होता है, इट इज प्राइस होता है कि उस पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस क्या है। प्राइस को देख करके ही वो सप्लाई जो है अवेलेबल कराता है। देन देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन, तो प्राइस जो है सप्लाई एंड फैक्टर, हाई प्राइस हाई सप्लाई, लोअर प्राइस लोअर सप्लाई। नेक्स्ट आता है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। अब सब कुछ बेसिक नॉलेज है, सब मुझे मालूम है, बट ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। आज प्राइस हाई है और मैं सेल करना चाह रही हूँ मेरे जो भी गेहूँ पैदा हुआ मेरे खेत में, बट मेरे पास मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं है। तो प्राइस हाई होते हुए भी मेरी सप्लाई मार्केट तक नहीं पहुँच पा रही है, और एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है। बाय द वे आपको मालूम ही नहीं हो कि मेरे पास किसी का फ़ोन नहीं आया, या मुझे मार्केट प्राइस की नॉलेज नहीं हो,
या मेरे पास ऐसा कम्युनिकेशन का मीन्स नहीं हो जिसके थ्रू मुझे मार्केट प्राइस की बेसिक नॉलेज हो सके. तो दिस इज द अनदर फैक्टर्स विच इज अफेक्टेड द सप्लाई ऑफ एनी कमोडिटीज, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. अगर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी आपके पास फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, कम्युनिकेशन अवेलेबल है, देन सप्लाई जो है वो उसी के अकॉर्डिंग होगी, आप तुरंत मार्केट में ले आओगे. और अगर आपके पास ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, कंट्री में बहुत लोअर है, बहुत रेयर चांस में जो है आपको मिलते हैं, तो आपकी सप्लाई जो है वो लोअर होगी. नेक्स्ट आता है प्रोडक्शन टेक्निक्स, कि आप किस प्रोडक्शन की कौन सी टेक्निक्स को आप यूज कर रहे हो. एटलीस्ट आपके प्रोडक्ट की सप्लाई, आपकी कमोडिटी की सप्लाई टोटली ऑल्सो डिपेंड, टोटली नहीं बट ऑल्सो डिपेंड अपॉन द प्रोडक्शन टेक्निक्स. अगर आपने हाई टेक्निक यूज़ की है, बेटर टेक्निक यूज़ की है, न्यू टेक्निक्स है, आप अपडेट टेक्निक को फॉलो कर रहे हो, तो सप्लाई जो है आपके प्रोडक्ट की नेचुरली इंक्रीज होगी. बट अगर आप वही ऑब्सोलेट टेक्निक्स और वही बैकवर्ड ट्रेडिशनल मेथड को फॉलो कर रहे हो, तो उस प्रोडक्ट की जो है वो सप्लाई इंक्रीज होना इम्पॉसिबल है. तो अनदर फैक्टर इज सप्लाई, अपडेट टेक्निक्स, देन सप्लाई लार्ज स्केल पे होगी, ऑब्सोलेट टेक्निक्स, बैकवर्ड टेक्निक्स, देन सप्लाई लोअर होगी. नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शंस, की प्रोड्यूसर का मेन टारगेट क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है. उसका ऑब्जेक्टिव है मार्केट को अंडर कंट्रोल करना, वो चाहता है कि वो मार्केट को कंट्रोल करे, देन लार्ज स्केल पर सब जो है वो सप्लाई अवेलेबल कराएगा, क्योंकि वो मार्केट को तभी डोमिनेट कर पाएगा जब उसका सप्लाई में पार्ट आया होगा, तभी वो पूरे मार्केट पर अपना कंट्रोल कर पाएगा, अपना प्रभुत्व कायम कर पाएगा. तो उसका ऑब्जेक्टिव भी डिपेंड करता है कि वो क्या चाहता है. एज ए मिनिमम पार्ट बनना चाहता है मार्केट का तो लोअर सप्लाई करेगा, और अगर वो मार्केट को अंडर कंट्रोल करना चाह रहा है तो लार्ज स्केल की सप्लाई जो है वो उसी की कमोडिटी के थ्रू होगी. नेक्स्ट होता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. अब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स इज ऑल्सो अफेक्टेड द सप्लाई. वैसे तो ऑलमोस्ट क्या होता है कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स इंक्रीज हो गए. सपोज कीजिए कि मेरे पास टू टाइप्स के मार्कर हैं, फर्स्ट इज कैमलिन एंड सेकेंड इज दिस. ये टू टाइप्स की टू कंपनी के ब्रांड जो है, दिस इज कैमलिन एंड दिस इज वाइट बोर्ड. तो ये टू टाइप्स की है. अगर सपोज कीजिए कि मैं इस कमोडिटी का प्रोडक्शन करती हूँ बट इसके प्राइस हाई हो गए हैं मार्केट में, इसके प्राइस हाई हो गए हैं मार्केट में, तो अब क्या होगा. इसके प्राइस अगर हाई हो रहे हैं तो वैसे तो क्या होना चाहिए कि मुझे प्रोडक्शन हाई करना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या होता है कि अगर रिलेटेड गुड्स के प्राइस हायर हो गए तो मैं मेरे प्रोडक्ट की सप्लाई को मार्केट से निकाल लूँगी, क्योंकि जब तक मेरे प्रोडक्ट के प्राइस हाई नहीं होंगे तब तक मैं मार्केट में मेरे प्रोडक्ट की सप्लाई नहीं करूंगी. इसके प्राइस हाई हो गए, मेरे प्राइस हाई नहीं हुए, तो फिर इसको मार्केट में अवेलेबल कराने का कोई मतलब नहीं है. मैं टोटली सप्लाई को कंट्रोल कर लूंगी, और जब तक मेरे इसके प्राइस इससे हाई या इसके इक्वल नहीं आते हैं तब तक मैं मार्केट में सप्लाई अवेलेबल नहीं कराऊंगी. तो जो आपका जो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट है, नियर सब्स्टिट्यूट जो है, एटलीस्ट उसके प्राइस पे भी आपकी जो है सप्लाई डिपेंड करती है. नेक्स्ट आता है आपके पास कि डिमांड ऑफ गुड्स, की आपके प्रोडक्ट की डिमांड किस स्टाइल्स की है. इट इज ऑल्सो डिपेंड द सप्लाई फैक्टर्स. इफ द डिमांड इज हाई, अगर आपके प्रोडक्ट की डिमांड हाई है इट मीन्स प्राइस हाई है, तो आप सप्लाई हाई करोगे. इफ द डिमांड इज लोअर इट मीन्स प्राइस लोअर है, देन सप्लाई विल ऑल्सो लोअर. तो आप क्या करोगे, डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई करने की कोशिश करोगे. अगर मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड बहुत अच्छी है तो आप भी सप्लाई कीजिए, क्योंकि आपको मालूम है हाई डिमांड पे आपको हाई प्राइस जो है वो मिल सकता है मार्केट में. उसके बाद है इकोनॉमिक कंडीशन. अब रियल में कंट्री की कंडीशन क्या चल रही है, करेंसी करंटी में ट्रेड साइकिल किस स्टाइल्स का है, बूम है और क्राइसिस है, आपको वो कंडीशंस को देखनी पड़ेगी. अगर कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन बेटर है, बूम की सिचुएशन है, तो आपके थ्रू सप्लाई थोड़ी सी हायर होगी. और अगर कंपनी में रिसेशन चल रहा है, क्राइसिस चल रहा है, डिप्रेशन की सिचुएशन है, लोगों के पास मनी ही नहीं है, तो आपके थ्रू भी सप्लाई जो है वो लोअर मार्केट में की जाएगी. उसके बाद है इंटरेस्ट ऑफ सेलर और प्रोड्यूसर. एटलीस्ट सेलर और प्रोड्यूसर का इंटरेस्ट क्या कह रहा है, वो क्या चाहते हैं. वो चाहते हैं कि अभी हम केवल सप्लाई इंक्रीज करे जाए, प्राइस को नजर नहीं करें, क्योंकि अगर लोग हैबिचुअल हो गए हमारे प्रोडक्ट को कंज्यूम करने के, तो इट मे बी पॉसिबल इन फ्यूचर जब हम प्राइस हाई करेंगे तो वो हमारी क्या करेंगे, हमारी कमोडिटी को परचेज करेंगे. तो उनका ओपिनियन क्या है, उनके थ्रेड्स क्या है, वो किस स्टाइल की अप्रोच को अडॉप्ट करना चाह रहे हैं सप्लाई, एटलीस्ट उस पर भी डिपेंड करते हैं. नेक्स्ट होता है गवर्नमेंट पॉलिसीज, की गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है, कि आपका स्टॉक फिक्स है, कोटा फिक्स है, आप पर कोई बाउंडेशन है, टैक्सेशन पॉलिसी हाई है,
तो आप एटलीस्ट आपकी सप्लाई को कंट्रोल कर करके रखोगे। और गवर्नमेंट बिल्कुल लिबरल है, एकदम फ्री है, आपको फ्री पोर्ट्स छोड़ रखा है, तो आपके थ्रू मार्केट में सप्लाई जो है वो हायर अवेलेबल कराई जाएगी। उसके बाद है प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब अगेन चीज़ है कि ये जो कमोडिटी में प्रोड्यूस कर रहे हो, इसमें जो फैक्टर आप प्रोडक्शन में यूज़ कर रहे हो, एटलीस्ट उनकी कॉस्ट की क्या हुआ, अगर उनकी कॉस्ट हाई हो गई है तो क्या होगा, मेरी सप्लाई थोड़ी सी लोअर हो जाएगी, क्योंकि मेरे पास कैपिटल फिक्स थी, वो कैपिटल मैंने इसमें इन्वेस्ट कर दी। अब जो इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, उन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की क्या हो गई, प्राइस हाई हो गई, तो मेरी कैपिटल से जहाँ पहले 25 पेंस जो है वो प्रोड्यूस किए जा सकते थे, अब ओनली 20 पेन ही प्रोड्यूस किए जा सकेंगे, तो क्या होगा, मेरा थोड़ा सा इम्पैक्ट मेरे इसकी सप्लाई पे भी पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास जो है, रॉबिन्स ने कहा ना, देयर इज ए स्कैर रिसोर्सेज इन इकोनॉमी, जो हमारे पास मीन्स है, रिसोर्सेज है, वो इसके हैं, तो इसका मीन्स का मेरी कहीं ना कहीं सप्लाई पे इसका इफेक्ट आएगा। उसके बाद है नेचुरल कंडीशंस की, नेचर क्या कह रहा है, क्योंकि कुछ के जो प्रोडक्शंस होते हैं वो नेचर पे डिपेंड करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू नेचर, नेचर पॉजिटिव हुआ तो उन प्रोडक्ट की सप्लाई हाई होगी, और अगर नेचर जो है उनकी क्लाइमेटिक कंडीशन वैसे नहीं है या कुछ भी वैसा नहीं है नेचुरल प्रोडक्ट का, तो फिर उनकी जो है वो इंक्रीज नहीं कर सकेंगे। तो दीज आर द फैक्टर विच आर अफेक्टेड टू सप्लाई ऑफ प्रोडक्शन। देन द सप्लाई इज द फंक्शन ऑफ, एक फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा उसमें, सप्लाई इज द फंक्शन ऑफ पी एक्स पी आर टेक्निक, पी और अदर, ये सारे जो होते हैं उनको एक आप अल्फाबेट्स में लिख सकते हो, ये अल्फाबेट्स आपके अपने भी हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि मैंने पी एक्स और पी आर लिखा तो आप भी वो लिखो। हाँ, पी एक्स और पी आर को तो वो लिख दो, टेक्निक का टी लिख दो, प्रेफरेंस का पी लिख दो, गवर्नमेंट पॉलिसी का जी लिख दो, तो आप इस स्टाइल से कुछ जो है अल्फाबेट्स लिख करके फिर आप उसको एक्सप्लेन कर दोगे कि सप्लाई इज द फंक्शन ऑफ दीज, देन पी एक्स मीन्स प्राइस ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी, पी आर मीन्स प्राइस ऑफ जो है नियर सब्स्टिट्यूशंस, टी मीन्स टेक्निक्स, पी मीन्स प्रेफरेंस, जो भी कुछ है वो आप एक्सप्लेन कर करके इस स्टाइल से सप्लाई को एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारा इसमें सप्लाई कर्व। अब आपको ये पता चल गया कि व्हाट इज सप्लाई, देन सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व जो होता है, इट इज मेड बाय द प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ जो है आपकी सप्लाई, उसके थ्रू जो है हम सप्लाई कर्व को है प्रोड्यूस करते हैं कि रियल में सप्लाई किस स्टाइल से होगा। तो सप्लाई कर्व को प्रिपेयर करने के लिए आपके माइंड में कुछ ओपिनियन होने चाहिए कि सबसे पहले आपके माइंड में कुछ प्राइस होना चाहिए। सप्लाई कर्व को प्रिपेयर करने के लिए आपको किसी पर्टिकुलर कमोडिटी के प्राइस और उसकी क्वांटिटी सप्लाई जो है ये होनी चाहिए। अब आप अपने मन से प्रिपेयर करोगे इसको कि ये 2 पर 10 थे, फिर 3 पर मैंने 15 कर दिए, प्राइस हाई हुए, 4 पर मैं 20 करती जा रही हूँ, 5 पर 25 और इस स्टाइल से जो है 6 पर 30 ये मेरे जो हो जाएंगे। अब आपका एक दिमाग जो है सप्लाई कर्व होगा, सप्लाई कर्व की स्टाइल इस स्टाइल से होती है। देखो ये मैं आपको जो है लॉ ऑफ समझाने के लिए करूंगी। सप्लाई कर्व ऑलमोस्ट जो है वो आपके इस स्टाइल का होता है। सपोज कीजिए दिस इज एस, दिस इज एस वन एंड दिस इज एस टू। इट मीन्स ये एस आपका ये शो कर रहा है कि इस पर्टिकुलर प्राइस पर आप इतनी क्वांटिटी दे रहे हैं। अब आपने क्या किया, प्राइस हाई हुए, आपने क्या किया, सप्लाई क्या कर दी, यहाँ पर इस प्राइस पर आपकी सप्लाई ये है और यहाँ पर जो है वो आपकी सप्लाई की कंडीशन ये हो रही है। तो ये जो लो है वो आपको बता रहा है सप्लाई कर्व के बारे में कि सप्लाई की लिंक जो होगी वो किसके साथ साथ होगी, किस स्टाइल से होगी, और आप किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की सप्लाई किस किस प्राइस पर कितनी कितनी करने को रेडी हो, ये होगा। देन हायर सप्लाई कर्व शो लोअर क्वांटिटी ऑफ सप्लाई एंड लोअर सप्लाई कर्व शो हायर क्वांटिटी ऑफ सप्लाई। एक बार वापस समझ लेना इसको कि आपका क्या होगा कि ये सप्लाई ये है, यहाँ पर इट मीन्स आप इंक्रीज कर रहे हो और यहाँ पर इट मीन्स आप सप्लाई जो है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो है वो डिक्रीज कर रहे हो। अब आप देखिए लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई मीन्स कि सप्लाई किस लॉ पे डिपेंड है। देन देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। सबसे पहली बात आपकी ये समझ में हो जाना चाहिए कि देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन, नेक्स्ट लॉ ऑफ सप्लाई, कि आपका कौन सा लॉ ऑपरेट होता है इस सप्लाई के पीछे, कि जैसे मैंने आपको बताया कि 2, 3, 4, 5, 6 दीज आर द प्राइस एंड जो कमोडिटी थी मेरे थ्रू जो सप्लाई की थी 20, 25 एंड 30। तो इस स्टाइल से इसके पीछे कौन सा लॉजिक ऑपरेट होता है, तो उसको हम बोलते हैं लॉज ऑफ सप्लाई, कि जिस लॉज के बिहाफ पे एक प्रोड्यूसर जो है वो मार्केट में सप्लाई करना चाहता है। तो सबसे फर्स्ट होता है इसमें प्राइस इज मोस्ट पावरफुल फैक्टर्स, प्राइस जो होता है वही पावरफुल फैक्टर होता है और वही टोटल जो है हमारी सप्लाई को अफेक्टेड करता है।
तो लॉ ऑफ सप्लाई आपको ये एक्सप्लेन कर रहा है कि देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई ऑफ एनी क्वांटिटी ऑफ कमोडिटीज. इफ द प्राइस हाई देन सप्लाई विल ऑल्सो हाई एंड इफ प्राइस लो देन सप्लाई विल ऑल्सो लो. तो देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई, की सप्लाई और प्राइस के बीच में जो होगी एक पॉजिटिव रिलेशनशिप होगी कि अगर किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी के प्राइस हाई है तो उसकी मार्केट में सप्लाई भी हायर होगी, और अगर उसके प्राइस लोअर है तो उसकी मार्केट में सप्लाई भी लोअर होगी. आप इस टेबल से इस बात की जानकारी प्राप्त कर सकते हो. और इस प्रकार का जो लॉ ऑफ सप्लाई का होता है आपका कि 10/5 उसके बाद आपका प्राइस इंक्रीज हुआ, अगेन सप्लाई इंक्रीज, प्राइस इंक्रीज, देन अगेन सप्लाई इंक्रीज, प्राइस इंक्रीज, देन अगेन सप्लाई इंक्रीज. अब आप इन ए बी सी डी इनको जब आप मैच करते हो तो इस स्टाइल से आपको एक जो है सप्लाई शेड्यूल जो है वो मिलता है. ये हो गया पर्टिकुलर आपका जो है किसी कमोडिटी का प्राइस है, 2 है 3 है 4 है और 5 है 6 का नहीं बनाया, कोई खास बात नहीं है. आप भी यहीं तक इसको स्टॉप कर दीजिए, 15, 20 and 25. तो दीज आर द क्वांटिटी एंड देयर प्राइस. हमने यहाँ पर ओ एक्स पर मैंने क्वांटिटी को शो किया है और ओ वाई पर जो है वो मैंने प्राइस को शो किया है. इस प्राइस पर ये, इस प्राइस पर ये, इस प्राइस पर ये, और इस स्टाइल से जब ए बी सी डी इन सभी पॉइंट्स को जब मैं मैच करूंगी तो मुझे एक सप्लाई कर्व जो है वो मिलेगा. देन देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप. ये एक पॉजिटिव रिलेशनशिप को शो कर रहा है कि ये इंक्रीज हो रहा है तो ये भी इंक्रीज हो रहा है, ये हो रहा है तो ये भी इंक्रीज हो रहा है. तो इट इज नॉन एज लॉ ऑफ सप्लाई. उसको हम लॉ ऑफ सप्लाई के नाम से जानते हैं कि ये लॉ ऑफ सप्लाई जो है किस बिहाफ पे वर्क कर रहा है. तो ये पॉजिटिव रिलेशनशिप को बताता है. इफ रिमेनिंग थिंग्स आर कॉन्स्टेंट देन प्राइस इज मोस्ट पावरफुल फैक्टर विच इज अफेक्टेड द सप्लाई ऑफ एनी पर्टिकुलर कमोडिटी. कि सप्लाई को अफेक्टेड करने के लिए प्राइस जो है वो मोस्ट पावरफुल फैक्टर्स होता है. मैं आपको इंडिविजुअल और मार्केट जो है सप्लाई कर्व हुआ आपको बता चुकी हूँ. उसके बाद आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय सप्लाई शेड्यूल. तो सप्लाई शेड्यूल क्या होता है, इन विच डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी आर सेल्ड बाय द प्रोड्यूसर बाय ऑन वेरियस प्राइस. कि जो हमारा ये होगा सप्लाई शेड्यूल, देखो ये पूरा क्या होगा, सप्लाई शेड्यूल होगा और ये सप्लाई होगी. तो सप्लाई शेड्यूल में क्या होता है, वेरियस प्राइस लेवल एंड वेरियस कमोडिटीज, देन ऑन विच वेरियस प्राइस लेवल अ पर्टिकुलर सेलर वॉन्ट टू सेल द पर्टिकुलर कमोडिटी. की इस पर वो यही करेगा, इस पर वो यही सेल करेगा, इस पर वो यही सेल करेगा, देन इट इज नॉन एज द सप्लाई शेड्यूल. ये मार्केट की पूरी सप्लाई शेड्यूल को बता रहा है कि पर्टिकुलर अलग अलग टाइम पीरियड पर अलग अलग सप्लाई जो है वो प्रोड्यूसर के थ्रू की जाती है. अब इसमें देखना पड़ेगा कि इस लॉ के पीछे कौन कौन सी अजम्पशन जो है वो वर्क कर रही है. तो अजम्पशन ऑफ दिस लॉ, तो इसमें सबसे पहली अजम्पशन जो आती है वो आती है प्राइस ऑफ फैक्टर आर कॉन्स्टेंट. कि जो भी फैक्टर मैं इस कमोडिटी को प्रोड्यूस करने में यूज कर रही हूँ उनकी जो कॉस्ट है वो मेरे लिए कॉन्स्टेंट है, उनके प्राइस में किसी स्टाइल का कोई फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा है. उनके प्राइस में फ्लक्चुएशन नहीं होने की वजह से मैं इस पर्टिकुलर प्राइस पर इतनी कमोडिटी आपको प्रोवाइड करने को दे रही हूँ. अगर जिन फैक्टर को यूज कर करके मैंने ये क्वांटिटी प्रोड्यूस की है अगर उनकी कॉस्ट में चेंज हो जाता तो मेरे थ्रू हो सकता है कि 6 रुपीज पर भी ये क्वांटिटी अवेलेबल नहीं कराई जाती, और अगर उनकी कॉस्ट में कम हो जाती तो इट मैट बी पॉसिबल कि मैं ये 35 रुपीज पर ही ला करके प्रोड्यूस कर देती. तो सबसे पहली अजम्पशन इसमें ये अज्यूम की गई है कि जो भी फैक्टर इस पर्टिकुलर कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए लिया जा रहा है उन फैक्टर और प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो बिल्कुल कॉन्स्टेंट है, उसमें किसी स्टाइल के कोई भी चेंजेस जो है वो नहीं आ रहे हैं. नेक्स्ट आ रहे हैं इनकम ऑफ सेलर एंड प्रोड्यूसर आर कॉन्स्टेंट. सेलर और प्रोड्यूसर क्या चाहता है, कॉन्स्टेंट इनकम चाहता है कि भाई इतनी इनकम तो एटलीस्ट मुझे मिलनी ही चाहिए, इससे लवर मिले तो वो रेडी नहीं होते मार्केट में सप्लाई करने के लिए. तो ये भी अजम्पशंस इस लॉ के पीछे वर्क करती है कि उनको एक कांस्टेंट इनकम एटलीस्ट जो मिनिमम वो अज्यूम कर रहे हैं वो उनको चाहिए, उससे लोअर पर वो सप्लाई जो अवेलेबल नहीं करेंगे तो ये लॉ ऑपरेट मार्केट में होता है. नेक्स्ट आता है टेक्निकल नॉलेज जो है वो मेरी कॉन्स्टेंट है, मैंने किसी स्टाइल का मेरे प्रोडक्शन के फील्ड में कोई टेक्निकल चेंजेस जो है वो नहीं किया है. अगर मैंने टेक्निक को चेंज किया होता इट मे बी पॉसिबल कि मेरा प्रोडक्शन हायर हो गया था, और प्रोडक्शन हायर हो गया अब तो मैं उसको क्लोजिंग स्टॉक तो बना के नहीं रख सकती तो मुझे लोअर प्राइस पर भी उसको मार्केट में सेल के लिए जो है निकालना पड़ेगा. तो मेरी टेक्निकल नॉलेज कॉन्स्टेंट है उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जब मैं पूरी एक शेड्यूल प्रिपेयर कर रही हूँ वहाँ मैंने कॉन्स्टेंट जो है वो टेक्निकल नॉलेज को लिया. उसके बाद जो है
टेस्ट और प्रेफरेंस जो है वो कंज्यूमर का सेम है, तभी तो मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कंज्यूमर के टेस्ट में किसी स्टाइल का कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, तो कंज्यूमर का जो टेस्ट है वो कॉन्स्टेंट होने की वजह से, एज इट इज होने की वजह से मैं इस पर्टिकुलर कमोडिटी को प्रोड्यूस कर रही हूँ, मार्केट में उतार रही हूँ, ज़्यादा प्राइस होने पर उतारूंगी, कम हुआ तो मैं नहीं लूंगी, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये कंज्यूमर के थ्रू प्रेफरेंस वाली कमोडिटीज में जो है वो इंक्लूड की जा रही है। और उसके बाद है ईच यूनिट ऑफ कमोडिटी मे बी डिवाइजेबल, ये जो कमोडिटी पर्टिकुलर मेरे थ्रू प्रोड्यूस की जा रही है ये डिवाइजेबल है, एक स्मॉल स्मॉल अमाउंट में मैं इनका प्रोडक्शन कर पाऊंगी, इस वजह से मैं इस स्टाइल की टेक्निक को अडॉप्ट कर रही हूँ कि मैंने पहले 10 कर ली, अब अगर प्राइस हायर होते हैं तो मैं 5 कमोडिटी और डालूंगी, क्योंकि ये पॉसिबल है, स्मॉल यूनिट में प्रोडक्शन करना मेरे लिए पॉसिबल है, इस वजह से ये ऑपरेट होता है। तो दीज आर द अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई को आप अच्छे से समझ गए होंगे कि किस स्टाइल से कौन कौन सी अजम्पशंस के थ्रू चलता है। नेक्स्ट आता है चेंज इन डिमांड सप्लाई, कि सप्लाई में भी क्या होता है, चेंज होता है, चेंज इन सप्लाई। फर्स्ट चेंज जो होता है वो होता है आपका एक्सपेंशन और कॉन्ट्रेक्शन, एक्सपेंशन और सेकेंड है आपका कॉन्ट्रेक्शन। तो सप्लाई में आपको चेंज देखना है, तो यहाँ ये बताया गया है कि कंडीशंस ऐसी हो कि सप्लाई में चेंजेस होना पॉसिबल है। इट मे बी पॉसिबल कि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो सप्लाई है वो आपके लिए कम हो जाए, और इट मे बी पॉसिबल कि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की सप्लाई आपके लिए थोड़ी सी हाई हो जाए। वापस वही एक टेबल आपको लेनी है, किसी भी स्टाइल की कोई भी टेबल ले लेना, 5 पर 10 कमोडिटी या 20 कमोडिटी कुछ भी लिख दो, 6 हो गए या 10 हो गए, यहाँ पर सपोज कीजिए 10 प्राइस हो गए, तो आप जो है वो 40 या 30 या 60 जो भी प्रोड्यूस कर रहे हो, और नेक्स्ट और प्राइस हाई हो गए तो आपके थ्रू जो है वो कमोडिटी की सप्लाई और हायर की जाती है। जब आप इन सभी पॉइंट्स को मैच कर देते हो तो याद रखना, तो एक्सपांशन और कॉन्ट्रेक्शन दीज आर द टू फैक्टर्स ऑन विच सप्लाई विल बी चेंजेस, जिनके बिहाफ पे सप्लाई चेंज हो जाते हैं। एक्सपांशन का मतलब होता है फैलना, विस्तार होना, लार्ज स्केल का हो जाना, और कॉन्ट्रेक्शंस का मतलब होता है सिकुड़ जाना। तो आपकी सप्लाई कब सिकुड़ती है, जब प्राइस डाउनफॉल में जाते हैं। सप्लाई कब कम होगी, जब आपके प्राइस डाउन में होंगे, और आपकी सप्लाई कब बढ़ेगी, जब आपके प्राइस हायर होंगे। यहाँ पर मेन जो फैक्टर है एक्सपेंशन और कॉन्ट्रेक्शंस को देखो, रिमेनिंग थिंग्स आर कॉन्स्टेंट, यहाँ एक और अजम्पशंस काम करेगी कि रिमेनिंग थिंग्स आर कॉन्स्टेंट, जो भी आपकी रिमेनिंग थिंग्स है, आपका टेस्ट है, आपका प्रेफरेंस है, आपके जो सब्सटीट्यूशन है उसके प्राइस है, गवर्नमेंट की टेक्निक्स है, पॉलिसीज है, टेक्नोलॉजी है, सब रिमेनिंग थिंग्स आर कॉन्स्टेंट, ओनली प्राइस इज द पावरफुल फैक्टर्स। पहली बात आपको ये समझ जाना चाहिए कि एक्सपेंशन और कॉन्ट्रेक्शन में क्या होता है, प्राइस जो है वो पावरफुल फैक्टर्स होता है, और प्राइस के बिहाफ पर ही टोटल कंडीशन जो है वो होती है। अब देखिए आपकी इकोनॉमिक में आप यहाँ पर सेट थे, सपोज कीजिए ये आपका एक इक्विलिब्रियम पॉइंट था, 10 पर इकोनॉमिक में 40 कमोडिटीज जो है आप सप्लाई कर रहे थे। अब सपोज कीजिए प्राइस में डाउनफॉल हो गया, प्राइस में क्या हो गया, डाउनफॉल हो गया, तो आपने सप्लाई को क्या कर दिया, शिफ्टिंग कर दी। प्राइस में क्या हुआ, डाउनफॉल हुआ और आपने सप्लाई को शिफ्ट कर लिया, तो 20 से कहाँ आ गए आप, 40 से 20 पर आ गए, इट मीन्स कॉन्ट्रेक्शंस ऑफ डिमांड। क्या कहलाएगा ये, कॉन्ट्रेक्शंस ऑफ डिमांड, ये पूरा जो एरिया होगा आपका वो कहलाएगा कॉन्ट्रेक्शंस ऑफ डिमांड, क्योंकि आपकी शिफ्टिंग इधर हो गई है। तो कॉन्ट्रेक्शंस ऑफ डिमांड सप्लाई, सॉरी कॉन्ट्रेक्शंस ऑफ सप्लाई कब क्रिएट होता है, जब प्राइस में जो है वो डाउनफॉल आ जाता है, तो प्राइस में डाउनफॉल आने की वजह से आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट की सप्लाई को आप कम कर देते हो। उसके बाद देखिए एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, अब आपके प्राइस हायर हो गए, प्राइस हायर हो गए तो जो पहले आप सपोज कीजिए यहीं पर सेट हो अभी, और अब आप ऊपर सेट हो गए जा करके E2 पर, इट मीन्स आपने क्या कर दिया, प्राइस अपवर्ड शिफ्टिंग, तो आपकी सप्लाई भी अपवर्ड शिफ्टिंग। तो ये पूरा जो एरिया होगा आपका, इट इज नॉन एज एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई, ये आपका पूरा जो है वो सप्लाई के एक्सपेंशन को शो करेगा। तो यहाँ पर कॉन्ट्रेक्शन और एक्सपेंशन जो इकोनॉमिक में क्रिएट होते हैं, जो प्रोड्यूसर के थ्रू किए जाते हैं कि वो कब ज्यादा बेचना चाहता है, कब कम बेचना चाहता है, इट इज टोटली डिपेंड अपॉन द प्राइस ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी, वो उस पर डिपेंड करेंगे। इसमें रिमेनिंग थिंग्स आर कॉन्स्टेंट होती है, तो एक चेंज तो हो गया आपका, ये आपके समझ में आ गया होगा किस स्टाइल से आप
जो है आगे बैकवर्ड शिफ्ट हुए, किसी स्टाइल से आप फॉरवर्ड शिफ्ट हुए, फॉरवर्ड शिफ्टिंग ऑफ सप्लाई कर्व इज नोन एज एक्सपेंशन एंड बैकवर्ड शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व इज नोन एज कॉन्ट्रेक्शन ड्यू टू चेंज इन प्राइस। टोटल प्राइस जो है वो आपका पावरफुल फैक्टर है। आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी। देखो स्टूडेंट, जब भी कभी ऐसे कोई क्वेश्चन आते हैं, पहले टेबल बनाओ, टेबल को एक्सप्लेन करो कि 5 प्राइस पर ये था, 10 पर ये था, उस पर ये था, ओ एक्स एक्सिस पर हम ये शो कर रहे हैं, ओ वाई पर ये शो कर रहे हैं, हियर वी आर शोइंग टू प्राइस, हियर वी आर शोइंग टू क्वांटिटी। ये सब जो है नखरे डेकोरेशन वो आपको सेल्फ को करनी होती है। बार बार ये सब बताने की आदत किसी भी टीचर को पर्टिकुलर को नहीं होती है। स्टूडेंट को अवेयरनेस रखनी पड़ेगी कि मैं इस स्टाइल से शो करूँ कि दिस इज यूनिट और दिस इज प्राइस, तो आपको एक दो लाइन लिखनी पड़ेगी, टेबल को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, फिर आपको ग्राफ को भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो चेंजेस होता है वो होता है इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई। हालांकि नाम से अब आप कह रहे हो कि कोई चेंज नहीं लग रहा है, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई ये हो गया। अब इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई में क्या होता है कि प्राइस कॉन्स्टेंट एंड रिमेनिंग थिंग्स आर चेंजेबल, बिल्कुल अलग है। इंक्रीज और डिक्रीज में क्या होता है, प्राइस कॉन्स्टेंट एंड रिमेनिंग थिंग्स आर चेंजेबल। अब ये है आपका, दिस इज योर, देन दिस इज योर सप्लाई कर्व, ये आपका सप्लाई कर्व है। एस 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 थोड़ा बड़ा बना देती हूँ ताकि मैं आपको एक ही से सबको समझा दूँ कि क्या होता है। तो ये हो गया आपका प्राइस कॉन्स्टेंट है एंड दिस इज योर सप्लाई कर्व। इस स्टाइल से आपके ये तीन जो है वो सप्लाई कर्व इस स्टाइल से हो गए। अब यहाँ पर क्या है, प्राइस कॉन्स्टेंट है एंड रिमेनिंग थिंग्स जो थी आर वेरिएबल, रिमेनिंग थिंग्स आर वेरिएबल और प्राइस कॉन्स्टेंट। यहाँ क्या हो गया, प्राइस आपका कॉन्स्टेंट हो गया, बिल्कुल है। अब देखिए इकोनॉमिक में आप यहाँ पर इक्विलिब्रियम लेवल में थे और आप इतनी क्वांटिटी जो है पर्टिकुलर प्रोडक्ट की सप्लाई कर रहे थे। अब क्या हुआ कि कुछ चेंजेस आ गया, क्या हुआ, चेंजेस आ गया, सब कुछ बदल गया। क्या बदल गया, हो सकता है लोगों का टेस्ट बदल गया, ज्यादा लोग इस चीज को पसंद करने लगे हो, लोगों की इनकम में चेंज हो गया हो कि इनकम हाई हो गई हो, गवर्नमेंट ने टैक्स में रिलैक्सेशन दे दी हो। तो जितने भी फेवरेबल चेंजेस होते हैं देन शिफ्टिंग फॉरवर्ड, अगर आपका फेवरेबल चेंजेस हो रहा है तो आपकी शिफ्टिंग क्या होगी, 40 to 60 पर आ जाएगी। अगर गवर्नमेंट ने टैक्स में रिलैक्सेशन दे दिया, लोगों की इनकम इंक्रीज हो गई हो और अगर किसी स्टाइल का ऐसा कोई पॉजिटिव चेंज आ गया हो तो आपकी इसकी शिफ्टिंग क्या हो जाएगी, फॉरवर्ड शिफ्टिंग हो जाएगी। और नेक्स्ट सपोज कीजिए कि गवर्नमेंट की टैक्स पॉलिसीज इस स्टाइल की है कि गवर्नमेंट जो है वो टैक्स में आपको हाई लगा रही है, लोगों का टेस्ट बदल गया, अब आपकी जो कमोडिटी है वो प्रेफरेंस में हाई नहीं, हैबिट लोगों की चेंज हो गई है, तो किसी स्टाइल के अगर नेगेटिव चेंजेस होते हैं तो इसकी शिफ्टिंग जो होती है वो बैकवर्ड हो जाती है। तो यहाँ पर इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई में जो सबसे पावरफुल फैक्टर्स होता है वो होता है दीज रिमेनिंग थिंग्स, आपका टेस्ट, आपका प्रेफरेंस, जो आपकी नियर सब्स्टिट्यूशंस गुड्स है उसका प्राइस, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, आपकी टेक्नोलॉजी, ये जो होते हैं। अगर इन सभी फैक्टर में पॉजिटिव चेंजेस होते हैं तो इसकी शिफ्टिंग फॉरवर्ड होगी, और अगर इन सभी फैक्टर्स में जो भी मैंने आपको बताया कि सप्लाई इज द फैक्टर फंक्शंस ऑफ दिस, अगर उन सभी में नेगेटिव चेंजेस होते हैं देन सप्लाई कर्व की शिफ्टिंग जो होगी वो बैकवर्ड हो जाएगी, आपके थ्रू जो सप्लाई होगी वो 40 to 20 ही रिड्यूस कर दी जाएगी, क्योंकि अब लोग, प्राइस तो वही के वही है पर लोग आपके प्रोडक्ट को पसंद नहीं कर रहे, गवर्नमेंट अननेसेसरी का टैक्स लगा रही है और जो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट है एटलीस्ट उसके प्राइस जो है वो बहुत कम हो गए हैं, तो लोग आपकी कमोडिटी को पसंद नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे जो है वो चेंजेस चल रहे हैं। तो दिस इज नॉन एज इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ सप्लाई, और वहाँ पहले मैंने आपको बताया एक्सपेंशन ऑफ वो। तो ये हो गया आपका दो कैटेगरी का, ये हो गया। अब आता है इसकी एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस मीन्स कि ऐसी कौन सी कंडीशंस होती है जब आपका लॉ ऑफ सप्लाई ऑपरेट ही नहीं होता है। लॉ ऑफ सप्लाई में मैंने आपको बताया इस स्टाइल का ग्राफ होता है हमारा। अब ये कंडीशंस जो है वो ऑपरेट नहीं होगी कि हायर प्राइस हायर सप्लाई, लोअर प्राइस लोअर सप्लाई, तो जब ये ऑपरेट नहीं होता है तो इट इज नोन एज एक्सेप्शंस ऑफ लॉ की एक्सपेंशंस है, एक्सेप्शंस है और यहाँ आपका लॉ ऑपरेट नहीं हो रहा है। देन फर्स्ट सिचुएशन इज इन मोनोपोली मार्केट, मोनोपोली मार्केट है तो ये लॉ आपका ऑपरेट नहीं होगा, क्योंकि मोनोपोली क्या करना चाहता है, सप्लाई को कंट्रोल करना चाहता है और वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को जो है हाई प्राइस पर ही सेल करेगा। उसको अगर मार्केट में अपने आप को मार्केट को डोमिनेट करना है तो उसको अपनी सप्लाई को इंक्रीज करना ही पड़ेगा। जब आप अपने पूरे बाजार पर अपनी मोनोपोली कायम रखना चाहते हो
तो सबसे पहले आप उनको लोअर प्राइस पर कंज्यूमशन के लिए कमोडिटी अवेलेबल कराओगे, तभी जो है कंज्यूमर आपकी कमोडिटी को ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करेगा, और जब वो हैबिचुअल हो जाएगा तब जाकर के वो आपके प्रोडक्ट को ज्यादा लेगा। तो अगर आपको मार्केट पे, पूरे मार्केट पे अपनी मोनोपोली चलानी है, तो लोअर प्राइस पर भी आपको कमोडिटी को सेल करना पड़ेगा। उसके बाद है सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स, कि एग्रीकल्चर गुड्स की सप्लाई में इस स्टाइल का नॉर्म्स नहीं चलता एग्रीकल्चर गुड्स में, क्योंकि इट इज टोटली डिपेंड अपॉन नेचर। मैंने आपको कहा कि एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट होते हैं वो नेचर पर डिपेंड करते हैं। अगर हमारी कंट्री में मॉनसून अच्छा आता है तो प्रोडक्ट जो होता है वो अच्छा होता है, और अगर मॉनसून अनफेवरेबल आता है तो उसकी सप्लाई इंक्रीज होना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो इसकी सप्लाई आपके कंट्रोल में नहीं है। अगर फेवरेबल क्रॉप्स हुई है तो आपको सप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके स्टोरेज के भी लिमिटेशंस होते हैं, और अगर मॉनसून है ही नहीं तो आपके थ्रू सप्लाई जनरेट भी नहीं की जा सकती है, चाहे प्राइस कितने भी हाई क्यों नहीं हो। उसके बाद होता है आर्टिस्टिक्स गुड्स की, जो कुछ आर्टिस्टिक्स गुड्स होते हैं वो बहुत रेयर चांस में प्रिपेयर होते हैं। अब किसी आर्टिस्ट ने उस किसी भी चीज को प्रिपेयर करने में जो पर्टिकुलर टाइम लगाया, अब चाहे कॉस्टली हो चाहे लोअर प्राइस हो, उसको सेल करनी है। अब आप चाहो कि प्राइस बहुत हाई हो रहा है और मैं उसकी सप्लाई बढ़ा दूं, तो उसकी सप्लाई पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उस आर्टिस्ट के लिए उस पर्टिकुलर कमोडिटीज को प्रोड्यूस करने में एक लॉन्ग टाइम पीरियड लगेगा, इसलिए वहाँ ये लो ऑपरेट नहीं होगा। रेयर गुड्स जो है उनमें भी ये लो नहीं होता, क्योंकि रेयर गुड्स की जो है सप्लाई इंक्रीज करना प्रोड्यूसर के हाथ में नहीं होता, वो बहुत रेयर होते हैं और बहुत मुश्किल से अवेलेबल होते हैं, तो ऐसे प्रोडक्ट की सप्लाई आप इंक्रीज नहीं कर सकते, चाहे आपको कोई कितना भी प्राइस देने को लिए प्रिपेयर नहीं हो। उसके बाद है पेरिशेबल्स गुड्स, तो पेरिशेबल गुड्स को अगर प्राइस लोअर भी हुए तो भी आपको मार्केट में उनकी सप्लाई को लाना ही पड़ेगा, क्योंकि उनकी स्टोरेज जो है लिमिट पेरिशेबल्स गुड्स की बहुत कम होते हैं, वो एक दो तीन दिन में जो है नष्ट हो जाएंगे। एग है, फिश है, आपकी वेजिटेबल्स है, लीफी वेजिटेबल्स है, तो इनकी स्टोरेज की कैपेसिटी नहीं होती, तो इनकी लोअर प्राइस पर भी कभी कभी आपको सप्लाई करनी पड़ती है, तो यह लॉ ऑफ सप्लाई जो है वो ऑपरेट नहीं होता। और पॉसिबिलिटी फॉर डिक्रीज इन प्राइस, सपोज कीजिए आपको लग रहा हो कि अभी जो मिल रहा है वही बेटर है, ये दे देता हूँ, अगर मैंने आज नहीं दिया तो कल परसों उसके प्राइस डाउन को लाने के लिए तैयार है, तो आप इस लोअर प्राइस पर भी मैक्सिमम क्वांटिटी जो है वो मार्केट में सप्लाई के लिए अवेलेबल करा दोगे। तो दीज आर द एक्सेप्शंस ऑफ लो। तो दिस इज ऑल अबाउट सप्लाई एंड लॉ ऑफ सप्लाई, इंक्रीज एंड डिक्रीज, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रेक्शन ऑफ सप्लाई।